क्या विनोद, कैसे चल रही है तुम्हारी पान की दुकान? आप क्या बताएं साहब, पान तो हमारी जान है, इसी से तो हमारी पहचान है। बड़े बड़े लोग आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में पान खाने के लिए। अच्छा, तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं पान खाने, क्या बात है। साहब, पिछले हफ्ते आपने वो जग्गू ड्रग्स बेचने वाले को पकड़ लिया। देखा सचिन, इसे कहते हैं खबरी, हर खबर की खबर रखता है। लेकिन जग्गू के पकड़े जाने के बाद भी ड्रग का धंधा कम नहीं हुआ है। हाँ साहब, ये बात तो सच है। ये ड्रग्स जो है वो समाज के नस नस में ऐसे फैला हुआ है कि उसको खत्म करना इतनी आसान बात नहीं। फिर भी ड्रग्स बेचने वालों की जानकारी निकालना तो तुम्हारे लिए आसान है। हाँ साहब। एक काम करो, इस एरिया में जितने भी नए ड्रग्स बेचने वाले हैं सबके बारे में पता करो। ठीक है साहब। अरे आग लग गई है। अरे आग लग गई है। कैसे लग गई है? बहुत बुरी तरीके से आग लगी है। देखो कितनी भयानक आग लगी है। अरे कैसे हो गया ये? क्या हुआ वहाँ पे? लगता है कुछ हुआ है वहाँ पे सर। चलो देखते हैं। ध्यान रखना भी नहीं सर। अरे आग लग गई है, कितने बुरी तरीके से आग लग गई है, समझ में नहीं आ रहा। अरे आप लोग प्लीज, किसका घर है? नवीन जी का घर है। तुमने फायर ब्रिगेड को फोन किया? जी साहब, बंगले के आसपास रहने वाले लोगों को इत्तला कर दिया है कि अगर बंगले में आग ज्यादा फैल गई तो उन्हें भी अपना घर खाली करना पड़ेगा। नवीन जी कहाँ है? नवीन जी को बाहर आते हुए नहीं देखा साहब। सर, कहीं नवीन जी अंदर तो नहीं है? हो सकता है। साहब आप अंदर मत जाइए, अंदर आग बुरी तरीके से फैल चुकी है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है साहब। एक मिनट चुप रहो, इसका कंबल ले लो। देखो इसको सर, ये तो मर चुका है सर। सर, रोने की आवाज है। औरत की रोने की आवाज है। इधर है, इधर है, इधर। कोई है? गॉड, आवाज तो यहाँ चाहिए सर। ये ओह माय गॉड, इसके अंदर कोई है। ओह सर, कमाल क्या हुआ सर? माय गॉड, कमाल क्या सर? जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मेरा चेहरा। सर का हाथ। ये तो बुरी तरह चल गया है। कोई बात नहीं। सर हॉस्पिटल जाना चाहिए सर। हेलो एम्बुलेंस। आइए सर। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। संभाल के। माय गॉड, ये तो बुरी तरह से जल चुकी है सर, ये तो बेहोश हो गई। संभाल के। आराम से। ये नवीन जी के घर में कौन कौन रहता है? साहब नवीन जी अकेले ही रहते थे घर में। और ये लड़की कौन है? साहब इस लड़की को नहीं पहचानता, और पिछले 5 साल से यहाँ पर किसी लड़की को आते जाते हुए नहीं देखा। सर हो सकता है वो लड़की नवीन जी की कोई रिश्तेदार हो या कलीग हो, जो भी अभी आई हो। साहब मैंने कहा ना, मुझे 5 साल हो गए यहाँ नौकरी करते हुए, पर पिछले 5 सालों में किसी लड़की को यहाँ आते जाते हुए देखा ही नहीं। मगर ये लड़की यहाँ इस घर में थी ना, घर के अंदर जल रही थी। कैसे गई घर के अंदर? कहाँ थे तुम जब ये लड़की अंदर है? ओ साहब, मैं खाना खाने के लिए बाहर चला गया था। सर शायद ये लड़की उसी वक्त घर में गई होगी। संभाल के। संभाल के। एक मिनट, क्या यही नवीन है? देखिए ध्यान से। यही नवीन जी है। सर कम से कम ये तो पता चल गया कि मरने वाला आदमी नवीन ही है। अब ये पता लगाना है कि ये लड़की कौन थी जो अलमारी के अंदर बंद थी, और घर में ये आग अपने आप लगी है या फिर लगाई गई है। ये तो अच्छा हुआ कि अभिजीत का हाथ पहले से बेहतर है। क्या हुआ, इतने उलझे हुए क्यों तुम दोनों? यार सिंपल सादा सा तो केस है, नवीन की मौत जलने की वजह से हुई है। नहीं बस, ये जलकर नहीं मरा है, मरकर जला। मगर सर जब हमें इसकी लाश मिली तब बुरी तरह से जल चुकी थी। लाश बुरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन मौत इसकी जल की वजह से हुई। मौत जल की वजह से हुई है? तू क्या कहना क्या चाहता है सड़ोंगे? मैं जो कहना चाहता हूँ उसे सुनकर आप लोगों के पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। सड़ोंगे तू बात लंबी क्यों खींच रहा है, मुद्दे की बात करना। मुद्दे की बात यह है कि इसकी मौत जल में मतलब पानी में डूबने की वजह से हुई। पानी में डूबने की वजह से? हाँ, पानी में डूबने की वजह से। तो इतनी बुरी तरह से आग लगी थी वहां पे, तो नवीन डूब कर कैसे मर सकता है सर?
पहले तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब नवीन के फेफड़ों में से हमें पानी मिला तो मतलब दया, ये नवीन आग लगने से पहले ही मर चुका था। मगर सर वहां बंगले में ना तो कोई स्विमिंग पूल था, ना घर के अंदर कोई बाथटब, तो कैसे? सर हो सकता है कि नवीन को कहीं बाहर मारा गया और उसकी लाश को बाद में बंगले में लाया गया। हो सकता है सर, उस बंगलों के पास में एक नदी है, शायद उसी नदी में डुबो के मार दिया। किसी को डुबो कर मारना और फिर उसकी लाश को उठाकर उस बंगले में लाना, इतना आसान काम नहीं है निखिल, इतना आसान नहीं है। हाँ सर, इतने सारे लोगों की नजरों से बचकर ये काम करना मुश्किल है जरा। वही तो। अच्छा सर मुझे एक बात बता, नवीन के फेफड़ों में जो पानी मिला है उसका टेस्ट तो किया होगा तुम? हाँ। तो क्या पता चला? बॉस उस पानी में हमें बहुत कम मात्रा में क्लोरीन मिला है। कम मात्रा में क्लोरीन? सर एक कॉर्पोरेशन का पानी जो हमारे घरों में सप्लाई होता है इसमें भी क्लोरीन की मात्रा कम होती है, और नदी के पानी में क्लोरीन होता ही नहीं। तो क्या नवीन की मौत उसके घर में उसी बंगले में हुई है? एक बात और बॉस। क्या? इस नवीन के सर के पीछे की तरफ किसी ने भारी चीज से वार किया है। मतलब पहले नवीन के सिर के पीछे किसी ने वार किया और फिर उसे पानी में डुबोया, मगर कैसे? सर उस बंगले के टेरेस पे वाटर टैंक है, हो सकता है खूनी ने नवीन को उस टैंक में डुबो के मारा। हाँ हो सकता है, उस बंगले की अच्छी तरह से छानबीन करनी चाहिए। सर लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि नवीन को पानी में डुबा के मारने के बाद खूनी ने बंगलों में आग क्यों लगा दी? सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए, ताकि हमारे हाथ कोई सबूत न लगे। अच्छा सरण के तुझे कुछ अंदाजा है ये बंगले में आग लगी कैसे होगी? मेरा मतलब है किस चीज से लगी होगी? कोशिश जारी है सर, पता चलते ही आपको इत्तला कर देंगे। या एक बार ये लड़के कुछ बता देना। सचिन होश आ गए उस लड़की को? कुछ बताया उसने? नहीं सर, लड़की को तो अब तक होश नहीं आया है, उसका इलाज चल रहा है लेकिन हालत काफी गंभीर है सर। दया उसकी सलामती के लिए हॉस्पिटल में उसके कमरे के बाहर पहरा सख्त करना पड़ेगा। एक बार ये लड़की को पता देना तो पता चल जाएगा क्या हुआ था उस बंगले में और क्या हुआ इस नवीन के साथ। इस नवीन के बारे में और कुछ पता चला? सर फिलहाल तो सिर्फ यही पता चला है कि ये नवीन ADBC बैंक में मैनेजर था। अच्छा ADBC बैंक का मैनेजर था नवीन? उसके बैंक वालों से पता लगा, देखो कुछ पता चलता है क्या उसके बारे में, और फिर इस लड़की के बारे में भी पूछताछ करो। वहां पड़ोसियों में से किसी ने तो देखा होगा उस लड़की को नवीन के बंगले में जाते हुए, किसी ने तो जरूर देखा होगा। साहब नवीन साहब तो बड़े अच्छे आदमी थे, भला उनके साथ कोई कैसे कर सकता है ऐसा? आप यहीं खड़े रहिए, सब पता चल जाएगा। खड़े रहिए। इस टंकी को देखो, इसकी हाइट लगभग 5 से 6 फीट की है। इस टंकी के अंदर किसी को भी आसानी से डुबा कर मारा जा सकता है। हो सकता है नवीन को इस टंकी में ही डुबा के मारा गया। हो सकता है। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक नवीन को पहले डुबाया गया फिर जलाया गया। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यहाँ पे हाथापाई के कोई ना कोई तो निशान होने चाहिए। हाँ फ्रेडी ये बात तो है, इस टेरेस पे तो कहीं भी कोई हाथापाई के निशान ही नहीं है। एक काम करते हैं, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। अश्विया तुम इस टंकी के पानी का सैंपल ले लो। सर। पड़ोसियों से मिस्टर नवीन के बारे में कुछ पता चला क्या? सर नवीन के पड़ोसी ज्यादा कुछ जानते नहीं थे उनके बारे में। ये नवीन ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था, पड़ोसियों ने उसे काम पर जाते हुए और वापस आते हुए देखा था। और उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? उसे किसी ने मिस्टर नवीन के घर आते जाते देखा क्या? चलो देखते हैं मिस्टर त्रिलोक क्या कहते हैं। माफ कीजिए, मैं कोई चंदा नहीं देना चाहता। हमें कोई चंदा नहीं चाहिए, हम चंदा मांगने नहीं आए, हमें आपसे पूछताछ करनी है, समझे? CID? जी हाँ CID। आइए आइए, आप किसके बारे में पूछताछ करना चाहते हैं? आपके पड़ोसी मिस्टर नवीन के बारे में। मिस्टर नवीन? जी, आप पहचानते थे ना उन्हें? हाँ कुछ हद तक। क्या वो आपके दोस्त थे? दोस्त नहीं, मैं उनका कलीग था। हम ADBC बैंक में साथ में काम करते थे। आप ADBC बैंक में साथ में काम करते थे? जी सर। अच्छा ये बताइए कि नवीन का व्यवहार बैंक के स्टाफ के साथ कैसा था? ठीक ठाक, मतलब वो वैसे किसी से ज़्यादा उलझते नहीं थे, अपने काम से काम रखते थे। मतलब नवीन का किसी के साथ बैंक में और बैंक के बाहर भी
झगड़ा या बहस वगैरह नहीं होती थी? हाँ सर, 3 दिन पहले कुछ लोग उनके बंगले के बाहर जाते वक्त वो जोर जोर से बहस कर रहे थे, इतना मैंने सुना था। मतलब आपने उन्हें देखा नहीं था? जी नहीं। कुछ मालूम है आपको कि कौन हो सकते हैं? स्पोर्ट्स अथॉरिटी के मेंबर हो सकते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी? जी, मतलब नवीन जी ने मुझे काफी बार बताया था कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लोगों का उनके घर आना जाना रहता था। आपको उन्होंने कुछ बताया कि आना जाना क्यों रहता था? सर, इसलिए कि वो खुद स्पोर्ट्स क्लब अथॉरिटी के मेंबर थे और उनका उनके साथ काफी बार झगड़ा भी हो चुका था। स्पोर्ट्स क्लब अथॉरिटी के मेंबर्स के साथ झगड़ा हुआ था? कई बार झगड़ा हुआ था। इस रिपोर्ट में लिखा है कि नवीन के फेफड़ों में से जो पानी मिला है वो उसके बंगले के टंकी का पानी नहीं है। मतलब सर, नवीन की मौत बंगले के अंदर हुई नहीं? सर, तो फिर नवीन को खूनी ने मारा कहाँ होगा? हो सकता है खूनी ने नवीन को कहीं और मारा होगा और फिर पीछे के रास्ते से लाकर बंगले में डाल दिया। और इसीलिए तो पड़ोसियों ने किसी को अंदर जाते नहीं देखा बंगले के। और नवीन के फेफड़ों में से जो पानी मिला है उसमें एक केमिकल भी मिला है। केमिकल का नाम है पॉलीहेक्सामिथाइलिन बिगोनाइड। पॉलीहेक्सामिथाइलिन बिगोनाइड? निखिल, पता लगाओ ये केमिकल है क्या। सर, ये केमिकल क्लोरीन का ही एक रूप है सर, और इसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत कम होती है सर। अच्छा, तो इसीलिए फेफड़ों में से जो पानी मिला उसमें क्लोरीन था, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। अच्छा निखिल, जरा देखो इस केमिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। सर, आजकल इस केमिकल का इस्तेमाल हेल्थ क्लब्स और स्विमिंग पूल में किया जाता है सर। स्विमिंग पूल और हेल्थ क्लब? सर, इस नवीन के एक पड़ोसी और कलीग मिस्टर त्रिलोक का कहना है कि नवीन का अक्सर झगड़ा होता रहता था स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर्स के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी के किसी मेंबर ने ही नवीन को स्विमिंग पूल में डुबो के मार दिया हो? तो फिर पता लगाओ इस स्पोर्ट्स अथॉरिटी के मेंबर्स के बारे में और पूछताछ करो उनकी। एक काम करते हैं, इस स्विमिंग पूल से पानी का सैंपल ले लेते हैं, पता चल जाएगा कि नवीन को इस पूल में डुबा के मारा गया था या नहीं। हाँ, सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, आप विक्रम हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सेक्रेटरी? जी हाँ, मैं ही विक्रम हूँ। आपकी तारीफ। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। देखिए विक्रम जी, हम नवीन के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें। नवीन जी के साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ है, इंक्वायरी होना बहुत जरूरी था। ये नवीन आपके स्पोर्ट्स अथॉरिटी के मेंबर थे ना? जी हाँ, मेंबर थे और बहुत ही एक्टिव मेंबर थे। अच्छा, एक्टिव मेंबर थे, तो क्या लगता है क्यों हुआ होगा ये सब? क्या हुआ नवीन के साथ? वो देखा फ्रेडी? क्या? वहां पे कुछ निशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ लाल लाल सा निशान है। फ्रेडी, ये तो खून है, इसका मतलब नवीन को यहीं पे मारा गया होगा। हो सकता है फ्रेडी, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि नवीन को यहाँ पे मारा गया और किसी को खबर तक नहीं लगी। एक काम करते हैं, इस खून का सैंपल ले लेते हैं और आसपास का पूरा एरिया चेक करते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सर, दरअसल होता यह है कि आदमी की जिंदगी में तरक्की के साथ साथ उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ जाती है। क्या मतलब? सर, वो अगले महीने हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी के इलेक्शन होने वाले हैं और मिस्टर नवीन उसमें सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार थे, उनके जीतने की उम्मीद सबसे ज्यादा थी। तो और भी उम्मीदवार होंगे? जी हाँ, 2 उम्मीदवार और हैं, मिस्टर अमित और मिस्टर प्रमोद। मिस्टर अमित और मिस्टर प्रमोद? क्या नवीन का इन दोनों के साथ, मेरा मतलब है अमित और प्रमोद के साथ, कोई दुश्मनी वगैरह थी, कोई झगड़ा वगैरह किसी बात को लेकर, कुछ जानते हैं आप?
चलो सर। जी हाँ सर, याद आया, जिस दिन नवीन जी की मौत हुई थी उस दिन स्विमिंग पूल के पास प्रमोद जी का नवीन जी से झगड़ा हुआ था। स्विमिंग पूल के पास झगड़ा हुआ था नवीन का प्रमोद के साथ? सर हाँ, हमें स्विमिंग पूल के पास से खून मिला है सर। स्विमिंग पूल के पास खून? ओ, तो फिर ये खून तो तभी निकला होगा जब नवीन का प्रमोद के साथ झगड़ा हुआ था। प्रमोद से मिलना पड़ेगा। प्रमोद इस वक्त कौन है? किसे मिला आपको? प्रमोद जी, हम लोग सीआईडी से विनय के बारे में पूछताछ करने आए। जी कहिए, क्या पूछना है? कल दिन भर क्या कर रहे थे आप? हाँ, कहाँ थे आप? दिन भर मैं घर पे था। सिर्फ घर पर ही थे और कहीं नहीं गए? हाँ, शाम को मैं स्पोर्ट्स क्लब गया था स्विमिंग करने के लिए और उसके बाद मैं घर वापस आ गया था। स्विमिंग करने के अलावा और कुछ तो नहीं किया था ना आपने प्रमोद जी? नहीं, और कुछ नहीं किया मैंने। स्विमिंग पूल पर किसी से मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर। नवीन के साथ मुलाकात नहीं हुई? नवीन के साथ झगड़ा नहीं हुआ तुम्हारा? हाँ या ना? नहीं सर, नवीन के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। किसी ने आपको गलत जानकारी दी है सर। अच्छा, किसी ने हमें गलत जानकारी दी या आप गलत जानकारी दे रहे हैं हमें? स्विमिंग पूल के पास हमें खून मिला है, समझे? खून? हाँ खून, और बहुत जल्द पता भी चल जाएगा ये खून किसका है। बताइए, सच सच बताओ वरना। सर बताता हूँ सर, नवीन के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, थोड़ी कहा सुनी हुई थी मगर। मगर क्या? मगर सर हमारी कोई हाथापाई नहीं हुई। बहस के बाद वो गुस्से में वहाँ से चला गया। मगर हाथापाई नहीं हुई है ना? चलो ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के इलेक्शन को लेकर बहस हुई थी ना तुम्हारी नवीन के साथ, उसी पर से झगड़ा हुआ था या नहीं? जी सर। और तुम अच्छी तरह से जानते थे कि इलेक्शन में सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार वही है और उसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है, इसीलिए तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? सर मैं भला नवीन को क्यों मारूंगा? मैंने उसे जिंदा वापस जाते हुए देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर, एक औरत के साथ उसे स्लेटी रंग की कार में जाते हुए। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उस स्लेटी रंग की कार में जो औरत बैठी थी उसने खून किया नवीन का, है ना? अपना अच्छा कुछ औरत पर डाल रहे हो? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेकसूर हूँ सर। सर वो तो पता चल ही जाएगा। निखिल, स्पोर्ट्स क्लब के मेन गेट का जो सीसीटीवी फुटेज है उठाओ सर। ये जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली उससे तो लगता है कि प्रमोद और नवीन इन दोनों के बीच में कोई ना कोई दुश्मनी जरूर थी, क्योंकि दोनों भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी के इलेक्शन में खड़े थे। सर मुझे तो लगता है कि ये प्रमोद ही कातिल है सर, और उसके पास नवीन को मारने की बहुत बड़ी वजह भी थी। वो उसे रास्ते से हटाकर चुनाव जीतना चाहता था। हाँ सर, इन दोनों का आपस में झगड़ा भी तो हुआ था स्पोर्ट्स अथॉरिटी के स्विमिंग पूल के सामने। ये नवीन प्रमोद के हर प्रस्ताव का मीटिंग में विरोध करता था और यहाँ तक कि बाकी मेंबर्स के साथ मिलके उसने इसके प्रस्ताव को रद्द भी करवाया। सर हमें तो ये भी पता चला है कि उसने अपने लिए बहुत ही पावरफुल लॉबी तैयार की थी। अगर वो इस स्पोर्ट्स अथॉरिटी के इलेक्शन जीत जाता तो प्रमोद को कोई पूछता भी नहीं। सारी चीजों को देखकर मेरा शक तो गहरा होते जा रहा है कि ये खून प्रमोद ने ही किया है। देखते साड़ों की क्या बताता है बॉस। स्विमिंग पूल के पास जो खून मिला था वो खून नवीन के खून से मैच करता है। चलो सर, ये तो पता चल गया कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी के स्विमिंग पूल के पास ही प्रमोद ने इस नवीन पर हमला किया था। हाँ, और फिर नवीन को उसी स्पोर्ट्स अथॉरिटी के स्विमिंग पूल में डुबोकर उसकी लाश को ले जाकर के बंगले में डाल दिया। अगर नवीन की लाश हमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी में मिलती तो हमारा शक सीधे प्रमोद पे ही जाता। इसीलिए उसने बड़ी चालाकी से बंगलों में आग लगा दी ताकि सबको लगे कि नवीन उसी आग में जलकर मर गया। ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या मतलब? मतलब ये बॉस कि नवीन के फेफड़ों में जो पानी मिला था वो स्विमिंग पूल के पानी से बहुत अलग है। नवीन के फेफड़ों में जो पानी मिला है वो स्विमिंग पूल का पानी नहीं है? नहीं। तो फिर इसका मतलब है दया, नवीन को कहीं और डुबो के मारा गया है, कहीं और। सर ये भी तो हो सकता है कि नवीन पर हमला करने के बाद वो मरा नहीं हो, जख्मी हुआ और वो वहां से भाग गया और इस प्रमोद ने उसका पीछा किया और किसी और जगह पे उसे पानी में डुबोकर मार दिया। छे, किस वजह से आग लगी कुछ पता चला? हाँ सर पता चला, इस आग की वजह है
अल्कोहल। अल्कोहल? हाँ, इन जले हुए चीजों से मुझे शराब की बॉटल के टुकड़े मिले। यानी शराब की वजह से आग लगी? हो सकता है सर, क्योंकि नवीन को शराब सिगरेट वगैरह की आदत थी। सर, हाँ सर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के मेन गेट का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है सर। तो फिर चलो देखते हैं। ठीक कह रहा था। तो इस औरत का चेहरा तो दिख नहीं रहा, पता कैसे चलेगा कि औरत है कौन? काम करो अंकिल, सो गाड़ी के नंबर प्लेट पर जूम करो। AHPX999। चलो, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर तो पता चला, अब ये भी पता चल जाएगा कि गाड़ी का मालिक है कौन। है कौन इस गाड़ी का मालिक? गाड़ी में से श्वेता के नाम पर ही है ना? हाँ सर। और ये श्वेता का घर है? आरटीओ वालों ने एड्रेस दिया सर। सचिन देखो जरा। सर लगता है श्वेता जी घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? किससे मिलना है आपको? हमें श्वेता से मिलना था, लगता है वो घर पर नहीं है। आप यहीं के आसपास ही रहती है? जी हाँ, मैं इनकी पड़ोसन हूँ। अच्छा, तो आप श्वेता को जानती हैं क्या? आज आपने श्वेता को देखा? हाँ, आज सुबह 7 बजे वो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं बाहर जा रही थी। अकेली ही गई या उनके साथ में कोई और भी था? वो अकेली थी, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कौन है आप लोग? हम लोग CID से। ओ, CID? जी। मैम, इस फोटो को ध्यान से देखिए, क्या आप इस आदमी को जानती हैं? इसका नाम नवीन है। हाँ सर, इस आदमी को मैंने कई बार श्वेता के घर में आते जाते देखा है। इस नवीन को आपने श्वेता के घर आते जाते देखा है? जी हाँ। और क्या बताइए? और आसपास के लोग हमेशा यही कहते हैं कि इस आदमी का उस श्वेता के साथ कोई चक्कर है। अच्छा, वैसे आप श्वेता के पति का नाम जानती हैं? जी हाँ, उनका नाम है रणविजय। तो फिर रणविजय तो यहीं पर रहता होगा श्वेता के साथ, है ना? जी नहीं, वो पुणे में रहते हैं। वो पुणे में रहते हैं? हाँ, सुना है वहाँ कोई काम करते हैं और यहाँ श्वेता से कभी कभार ही मिलने आते हैं। लेकिन सर, ये जो फोटो में आदमी है ना, ये बार बार आता है। अच्छा, बार बार आता है। चलो, थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्वेता के पति रणविजय को नवीन और श्वेता के रिश्ते के बारे में पता चल गया और उसने नवीन का खून करवा दिया? और इसी पूछताछ से बचने के लिए वो आज सुबह ही कहीं चली गई हो? वो भी सकता है, मगर हमें अफवाहों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। श्वेता के बारे में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले श्वेता का घर देखना चाहिए। खोल दो। सर, ये टेबल पे नाश्ता तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसने हाथ ही नहीं लगाया? ऐसी भी क्या जल्दी थी, जो नाश्ता करने के लिए भी वक्त नहीं था। बड़ी अजीब बात है। घर को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक कोना छान मारो, एक एक कोना, देखो कुछ मिलता है क्या।
का नंबर है। सर हाँ सर, इस फोन में जो कॉलर आईडी लगी है उसके हिसाब से यहाँ से सबसे ज्यादा फोन नवीन को किए गए हैं। तो इस घर से सबसे ज्यादा फोन नवीन को किए गए हैं। ओह तो ये बात है। अच्छा सर, सर स्पोर्ट्स क्लब अथॉरिटी का लेटर मिला है रणविजय के नाम पे। रणविजय के नाम से तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि रणविजय भी स्पोर्ट्स क्लब अथॉरिटी का मेंबर है। सर फिर तो ये रणविजय नवीन को अच्छी तरह से जानता होगा। हाँ सर, कहीं इस रणविजय ने तो नवीन का खून नहीं किया? पहले इस रणविजय के पुणे के घर का पता लगा। मुझे तो लगता है ये श्वेता रणविजय के पुणे वाले घर पर गई है। हेलो एसीबी प्रद्युमन। क्या लड़की को अगवा किया गया? कैसे हो गई लड़की अगवा? तुम लोग क्या सो रहे थे? नहीं सर। फिर सर मैं बाहर पहरा दे रहा था, ये नर्स अंदर आई उस लड़की को चेक करने के लिए। सब कब हो गया कैसे हो गया कुछ पता नहीं चला सर। सर ये नर्स उस लड़की के साथ यहाँ रूम में थी। जब मैं राउंड के लिए अंदर आया तो मैंने देखा ये नर्स जमीन पर बेहोश पड़ी थी। आपके साथ क्या हुआ कुछ याद है आपको? कोई अचानक से अंदर आया, उसने मेरे सर पे वार किया और मैं बेहोश हो गई। सर अगवा करने वाला खिड़की से भागा होगा। चुप रहो। ये बताओ क्या तुमने उस आदमी को देखा जिसने तुम्हारे सिर पर वार किया? नहीं सर, उसने चेहरे पे नकाब पहना हुआ था। सर हो सकता है कि लड़की ने खूनी को देख लिया हो नवीन का खून करते हुए, और कहीं ये लड़की उसका भांडा ना फोड़ दे इसलिए उसने इस लड़की को अगवा कर लिया। नहीं 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 फ्रेडी, अगर ऐसे होता तो किडनैपर उसकी जान ही ले लेता। लड़की को जिंदा क्यों रखता वो और फिर किडनैप क्यों करता? नहीं 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 जरूर लड़की कुछ तो जानती है। ये किडनैपर जानना चाहता है क्या जानती है ये लड़की, ऐसा क्या राज है। पहले श्वेता के घर चलते हैं। सर श्वेता की गाड़ी तो यहीं पे खड़ी है, मतलब श्वेता भी घर के ही अंदर होगी। AHPX 999 ये तो श्वेता की गाड़ी है। अगर श्वेता घर पर है तो रणविजय भी घर पर ही होगा। चलकर देखते हैं। सब्जी के थैली? अरे रोने की आवाज आ रही है। हाँ सर ये तो रोने की आवाज है। प्लीज बोलो। दरवाजा तो खुला है। घर का सामान तो बिखरा पड़ा हुआ है। वही तो हुआ क्या यहाँ पर? रणविजय पिता क्या हुआ यहाँ पर? रणविजय देखो सर इसके तो पूरे शरीर पे चोट के निशान है। किन जख्मों की वजह से तुमने बहुत बुरी तरह से मारा? प्लीज प्लीज श्वेता हाथ मत लगा। किसने किया ये? क्या तुमने देखा किसी को? हाँ श्वेता जी प्लीज कुछ तो बताइए, आखिर यहाँ पे हुआ क्या है? प्लीज बताइए ना। सर लगता है काफी गहरा सदमा लगा है। प्लीज उठो रणविजय, प्लीज उठो, ये सब क्या हो गया? काम करो रणविजय की बॉडी को फोरेंसिक लैब ले चलो। रेडी निकल, घर का कोना कोना छान मारो, देखो कुछ सबूत मिलता है क्या, कोई उंगलियों के निशान वगैरह। हाँ सचिन प्लीज उठो रणविजय। श्वेता श्वेता को ब्यूरो ले चलो, कुछ तो गड़बड़ है, चक्कर क्या है पता चल जाएगा।
श्वेता जी, क्या आपने अपने पति के खूनी को घर से भागते हुए देखा? श्वेता जी, हम कब से आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए प्लीज। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। जब रणविजय का खून हुआ तब आप कहाँ थी? मैं बाजार गई थी। जब मैं वहाँ से लौटी तो मैंने उनकी चीख सुनी, सारा सामान गेट पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अंदर जाके देखा तो क्या? सामने रणविजय की लाश फर्श पर गिरी पड़ी थी। अच्छा, मतलब जैसे ही तुमने रणविजय की चीख सुनी तुमने सारा सामान नीचे फेंक दिया और दौड़कर उसके पास चली आई, है ना? हाँ। इसका मतलब ये सब कुछ एक मिनट के अंदर अंदर ही हुआ होगा। हाँ। तो क्या एक मिनट के अंदर अंदर वो कातिल वहां से फरार भी हो गया और आपके सिक्योरिटी वाले ने उसे देखा तक नहीं? ये कैसे हो सकता है श्वेता जी? शायद खूनी पीछे के रास्ते से फरार हो गया हो। होने को तो ये भी हो सकता है कि आप झूठ बोल रही हो और अपने पति का खून आप ही ने किया। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आखिर मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? वो इसलिए कि आपके और नवीन के संबंध थे जो रणविजय को पसंद नहीं थे। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या नवीन आपके घर में नहीं आता था चुप चुप के आपसे मिलने? ये सब झूठ है। आपके पड़ोसी और सिक्योरिटी गार्ड के बयान है हमारे पास, समझी? श्वेता जी, जिस दिन नवीन की मौत हुई उस दिन आप उसे मिलने स्पोर्ट्स अथॉरिटी के गेट पर गई थी या नहीं? मिलने गई थी या नहीं, बताइए। हाँ, मिलने गई थी। हाँ, मैं नवीन से उसके घर पे मिलती थी, लेकिन अपने पति के कहने पर। पति के कहने? हाँ, रणविजय और नवीन बहुत करीबी दोस्त थे। नवीन स्पोर्ट्स अथॉरिटी के इलेक्शन में खड़ा हुआ था, लेकिन रणविजय नवीन को खुलेआम सपोर्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पति रणविजय अमित की पार्टी में थे, जो कि नवीन के सामने इलेक्शन में खड़े हुए थे। वो अमित की सारी जानकारी लाके मुझे देते थे और उसे मैं चुपके से नवीन तक पहुंचाती थी। सर, सर, हाँ, सर, मिस्टर रणविजय जी की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई सर, बहुत बेरहमी से मिला है। हाँ, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, लेकिन बाहर से कोई निशान नहीं। किडनी डैमेज होने की वजह से मौत। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस तीसरे कैंडिडेट अमित को पता चल गया था कि नवीन और रणविजय दोनों आपस में मिले हुए हैं और उसने दोनों का खून कर दिया? अमित, इस अमित को उठाओ, उठाओ इस अमित को। टेबल ड्रॉअर, सारे फाइल्स अच्छी तरह से चेक करो। अरे अरे, आप प्लीज चुप रहिए। सिर्फ इतना बताइए कि अमित आज यहाँ पर आया था या नहीं? सर, वो चार दिन से ऑफिस आ ही नहीं रहा है। चार दिन से आया ही नहीं? क्यों नहीं आ रहा? सर, वो अफवाह की वजह से। अफवाहों की वजह से? कैसी अफवाहें? सर, जब से रीना और अमित को साथ देखा गया है तब से उनके खिलाफ अफवाहें उड़ रही हैं। ये रीना है कौन? सर, रीना एक अच्छी एथलीट है और वो चाहती है कि टीम में शामिल हो, लेकिन पिछले एक साल से हमारी अथॉरिटी में उसके खिलाफ विवाद चल रहा है। और अमित चाहता था कि रीना टीम में सिलेक्ट हो जाए, है ना? जी हाँ, वो पूरी कोशिश कर रहा था कि रीना किसी तरह से टीम में शामिल हो। इन सारी बातों से नवीन का क्या लेना देना? सर, नवीन जी नहीं चाहते थे कि रीना टीम में शामिल हो और उन्हीं की वजह से उस पर पाबंदी लगी थी। अच्छा, नवीन की वजह से पाबंदी लगी? फिर क्यों? नवीन क्यों नहीं चाहता था कि रीना टीम में आ जाए? ये कोई पैसे वैसे का चक्कर था क्या? जी सर। अच्छा, ऐसी। ये रीना की फाइल तो होगी ना तुम्हारे पास, उसका पूरा बायोडाटा? लाइए जरा जल्दी लाइए। सर, हाँ सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। सर, कुछ भी नहीं मिला? नहीं सर। चक्कर क्या है? नवीन, अमित, रीना, क्या चक्कर है इन तीनों का? सर, ये रही फाइल। सर, इस लड़की रीना को मैंने कहीं देखा हुआ है सर। रीना को देखा है कहाँ पर? सर, इसे मैंने नवीन के घर के बाहर देखा था सर। नवीन के घर के बाहर? हाँ सर। सर, जिस वक्त नवीन के घर में आग लगी थी उसके घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी और ये लड़की मुझे भीड़ के पीछे से भागती हुई नजर आई। तो इसका मतलब है जब आग लगी तब रीना नवीन के घर पर मौजूद थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि रीना ने ही नवीन को मार दिया? रीना? तुम अमित हो? जी, मैं अमित हूँ।
बस तो अपने आप को हवाले कर दो, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। सर आप क्या कह रहे हैं, कौन सा खेल? तुमने और रीना ने मिलकर रणविजय और नवीन का खून किया और उस जली हुई लड़की को अगवा किया, है ना? नहीं सर। नहीं कैसे? क्या है वो लड़की? सर मुझे नहीं पता सर। अच्छा घर चेक करो, ढूंढो। सर सर आप लोग ऊपर नहीं जा सकते सर, सर प्लीज सर आप लोग ऊपर। अच्छी तरह से ढूंढो, चुप रहो तुम, चुप रहो। सर प्लीज आप लोग ऊपर नहीं जा सकते। ढूंढो एक एक कमरा। सही रही रीना। रीना हमें सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने अमित के साथ मिलकर रणविजय और नवीन दोनों का खून किया है। मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। तो जिस रात नवीन के घर पे आग लगी थी उस रात हमने तुम्हें वहाँ से भागते हुए देखा, क्या कहना है तुम्हारा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कैसे पता नहीं, नवीन का खून किया या नहीं? चलो हम याद दिलाते हैं श्रेया। कुछ याद नहीं आ रहा है तुम्हें? नहीं। तुमने किसी का खून नहीं किया? मैंने किसी का खून नहीं किया। अब कुछ याद आया? सर एक सेकंड, सर वहां कोई सो रहा है। सर ये तो वही जली हुई लड़की है। ये जली हुई लड़की यहां कैसे? सर ये मेरी बहन है शीला। क्या यहां कैसे है? क्यों लेकर आई इसे? मेरी तकलीफ इनसे देख ही नहीं गई, ये नवीन सर के घर उनसे बात करने गई थी मेरे लिए, लेकिन मुझे बात मालूम नहीं थी। कितनी देर लगा दी आने में रीना, ऐसे कैसे काम चलेगा? जिंदगी में आगे बढ़ना है तो वक्त की कदर करना सीखो। खैर जाने दो, जाओ फटाफट कपड़े धो लो और देखो उसमें कीचड़ लगा होगा, और जल्द से जल्द खाना बना लो, मुझे बहुत भूख लगी है। साहब मैं रीना नहीं उसकी बड़ी बहन शीला हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? आपको ये बताने आई हूँ कि मेरी बहन आपकी नौकरानी नहीं है, वो एक खिलाड़ी है। ये वो समझती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी नहीं समझती। आप उसे उसकी काबिलियत साबित करने का एक मौका तो दीजिए, तभी तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी को पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी खिलाड़ी है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि हम गरीब है, आपको लाखों रुपए की घूस नहीं दे सकते, इसलिए आप हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरी बहन रीना से अपने घर का सारा काम करवाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझसे बातें करने की? मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करवाऊंगी और सारी दुनिया को आपकी असलियत बताऊंगी। तेरी ये हिम्मत? मालूम था कि मैं आई थी और मुझे नहीं मालूम था कि शीला घर में है, इसीलिए तो मैंने नवीन सर के घर में आग लगाई थी। कोई खोलो, प्लीज हेल्प मी, कोई खोलो। मुझे नहीं पता था कि उस आग में नवीन सर के साथ मेरी बहन भी जल जाएगी। इसका मतलब शीला भी उतनी ही गुनहगार है जितनी कि रीना तुम। सर सिर्फ रीना को ही नहीं, नवीन सर और रणविजय हम सबको भी बहुत परेशान करते थे। हम सभी से वो अपने घर के कपड़े और बर्तन धुलवाते थे। हम सब अपने घर परिवार से दूर यहाँ पर एथलीट्स बनने आए थे सर। अब आप ही बताइए, क्या हम खिलाड़ियों का कोई मान सम्मान नहीं? और रणविजय, रणविजय को भी तुमने ही मारा ना? तुमने ही मारा ना? हाँ सर मैंने ही मारा। नहीं सर मैंने मारा। नहीं सर मैंने मारा। नहीं सर मैंने मारा। नहीं सर मैंने मारा। झूठ बोल रहे हो तुम सभी, झूठ बोल रहे हो तुम लोग रीना और अमित को बचाने के लिए।
हमें पता है रणविजय को किसने मारा है। क्यों अमित, क्यों मारा रणविजय को? सर, रणविजय और नवीन अच्छे इंसान नहीं थे सर। उन दोनों ने इन लड़कियों का सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि इन मान सम्मान से खिलवाड़ किया सर। तो क्या जान ले लोगे किसी की दोनों मिलकर? हा? क्या हक है तुम लोगों को किसी की जान लेने का? अगर ऐसा ही था तो हमारे पास आते, हम तुम्हारी मदद करते। लेकिन नहीं, तुम सभी ने मिलकर कानून को अपने हाथ में ले लिया, खून कर दिया दो लोगों का। तुम सभी को जेल होगी, सबको। और रीना तुम और अमित तुम दोनों को शायद फांसी होगी और शिला तुम्हें भी सजा मिलेगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.